राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 के तहत कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने, रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उसका पालन करने की अनिवार्य घोषित कर दी है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इस रक्षात्मक उपायों को कड़ाई पूर्वक लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर मास्क, फेस कवर नहीं पहनने, थूकने पर ₹100, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर ₹200 और होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। लॉ मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक उप निरीक्षक से अग्रिम अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि वसूली की जा सकेगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन विनियम 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की अपील जिले की आम जनता से की है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।